कई बार कई लोगों को परेशानी हो जाती है कि मेरे बाद मेरा वंश कौन चलाएगा, है ना। बहुत ऐसे माता पिता हैं जिनकी कोई संतान नहीं, बहुत ऐसे माता पिता हैं जिनकी संतान होती भी है मगर नालायक हो जाती है, बहुत ऐसे भी होते हैं जिनकी संतान होती है मगर कुछ करने से पहले ही मृत्यु के गाल में चली जाती है, ऐसा होता है ना। तो बताइए फिर उस इंसान की वंश परंपरा को कौन चलाने वाला है, कौन चलाएगा। यह चिंता कभी बुद्ध को सता सकती थी ना, महावीर जैन को सता सकती थी कि मेरा तो कोई बालक नहीं है तो फिर मेरी वंश परंपरा कौन चलाएगा। क्या आपको लगता है कि वंश परंपरा वंशों के कारण से चलती है या पिता का नाम रोशन बच्चे करते हैं, क्या आपको लगता है। करते हैं कितना, 100 में 10% नहीं के बराबर। क्या महात्मा गांधी का नाम रोशन उनके बेटों ने किया, किया। बेटों का नाम जानते हो आप लोग, जब बेटों का नाम नहीं जानते तो महात्मा गांधी का नाम कैसे आता। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह 21 साल 23 साल 25 साल में फांसी पे चढ़ जाए, शादी हुई नहीं थी, बच्चे थे नहीं, उनका नाम रोशन कौन कर रहा है। क्या उनके बच्चे नहीं, बच्चे अगर नाम रोशन करते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटों का नाम पता है आप लोगों को, आप ही के क्षेत्र के हैं ना, यही के तो है गांधी। तो चलो पोरबंदर कहां, गुजरात बहुत दूर है, नहीं जानते। जीरा दी आपके ही गांव के बगल में है, कभी आपने बेटों का भी नाम जाना। सच्चाई तो यह है कि आपके नाम को रोशन आपके बच्चे नहीं करेंगे, कर लेंगे तो समझ लेना भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि ऐसे बच्चे आए हैं दिव्य पुरुषों के रूप में आपके पास में। आपके नाम को रोशन सिर्फ आप और आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात होती तो बुद्ध कब के दफन हो जाते, खत्म हो जाते और कोई बुद्ध का नाम भी नहीं जानता, महावीर जैन को भी कोई नहीं जानता और मां आदिशक्ति को भी कोई नहीं जानता, कोई याद नहीं रखता, कोई बुद्ध को नहीं जानता, कोई महात्मा गांधी को नहीं, कोई चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानता, कोई सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं जानता। आपका नाम रोशन आपका ही कर्म करता है। इंसान मर जाता है लेकिन उसके कर्म पीछे छूट जाते हैं इस दुनिया में। और क्या आपको लगता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को कोई याद करता है या लाल बहादुर शास्त्री को याद करता है। हम कहते तो हैं कि गांधी जयंती मना रहे हैं, हम कहते तो हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि गांधी के द्वारा किए गए कर्म जब याद आते हैं तो पीछे पीछे गांधी का नाम भी याद आ जाता है। गांधी को कोई याद नहीं करता, गांधी के काम को लोग याद करते हैं, गांधी भी याद आ जाते हैं पीछे से, छाया की तरह है, साया जैसे। आप चलते हो आपकी साया आपके पीछे चलती है, कर्म चलता है आगे आपकी साया पीछे चलती है। बुद्ध को गए हुए, महावीर जैन को गए हुए तो 2500 वर्ष चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य को, सम्राट अशोक को गए हुए 2500 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। माता रानी कृपा करें बच्चे। भगवान श्री कृष्ण को शरीर त्यागे हुए, श्री राम को शरीर त्यागे हुए इस दुनिया से तो हजारों हजार वर्ष गुजर गए, लेकिन उन लोगों ने जो काम किए वो आज भी हैं। क्यों किए और क्यों वो जीवित हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किया था वो हृदय के गहरे तल से, आत्मा की गहराई से किया था। और जब आत्मा की गहराई से कोई बात निकलती है ना तो वो एक आत्मा से दूसरी आत्मा, दूसरी से तीसरी, और निरंतर वो आत्मा दर आत्मा यात्रा करते रहती है वो बातें। और इंसान मर जाता है, पुस्तें खत्म हो जाती हैं, लेकिन आत्मा तो जीवित है ना। सनातन धर्म तो यही कहता है शरीर मरेगा
आत्मा तो जिंदा रहेगी, तो आत्मा तक बात अगर प्रवेश कर जाती है तो वो बातें चाहे जब भी हम जीवन लेकर दोबारा आएंगे तो हमारी आत्मा से वो बातें फिर से पुनः निकल आएगी, सुषुप्ता अवस्था में फिर से वो जाग जाएगी, फिर से वो उठ जाएगी। अगर आप अपने जीवन में आप भी चाहते हो कि आपकी वंश परंपरा या आपका नाम रोशन हो, एक बात सोचिए जरा, अपने माता पिता, अपने दादा और परदादा की पूर्ण तिथि कितने लोगों को याद है? याद रहता? अगर हम लोगों से पूछा जाए कि पांचवें पुस्त में दादाजी का क्या नाम था तो हमें पता नहीं, सिर्फ पांच। और कहां महावीर जैन को गुजरे हुए 2500 वर्ष, और 2500 वर्ष में कितनी पुस्तें बदल गई होंगी, यानी कितने पुस्तें चली गई, फिर भी बुद्ध जीवित हैं, फिर भी महावीर जैन जीवित हैं, श्री राम जीवित हैं और श्री कृष्ण जीवित हैं। क्यों? कर्म के कारण से, कर्म के कारण से। तो क्या जब हम कथा सुनते हैं, जब देवी भागवत की कथा सुनते हैं, तो मां भी यही कहती है कि जैसे मैं लोगों के हृदय में जीवित हूं ना, मैं तो कभी किसी को नहीं कहती, मां कहती है कि मैं तो किसी को नहीं कहती, उठो जागो, स्नान करो, आओ मेरी पूजा करो, आओ मुझ पे फूल चढ़ाओ, आओ मेरा जाप करो, आओ दुर्गा चालीसा पढ़ो। किसी को मां ने कहा क्या? नहीं कहा ना। मां ने जो कुछ किया अपने दिल से किया, आत्मा से किया, इसलिए एक आत्मा से दूसरी आत्मा, उस पुस्त जो उपस्थित पुस्त थी वो गुजर गई लेकिन आत्मा में बातें थी, तो दूसरी बार जन्म ली, जहां जन्म लेगी वहीं पे मां याद आ जाएंगी, क्योंकि शरीर बदलेगा, वस्त्र बदलेगा, लेकिन अंदर का जो इंसान है आत्मा रूपी, वो कहां बदलने वाला है, वो तो जीवित रहेगा, वो रहेगा ना। तो क्या हम ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं? अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, कथा का मतलब क्या है? अगर मरने के बाद जीवन को जीने की कला नहीं आती है, मरने के बाद भी अगर हम जीवित नहीं रह पाते हैं, तो कथा सुनना व्यर्थ है। मौत के बाद भी जिंदा रहने की कला सिखाती है कथा, यानी जन्मों दर जन्म ये बातें आगे तक बढ़ाती चली जाती हैं। बोलिए मां आदिशक्ति मां भवानी की जय।